आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल रंजन से एक बार। आज जो हम बात करेंगे है टावर केन का डिस्प्ले के बारे में, तो क्या आप मेरा पीछे यहाँ पे देख पा रहे हो एक टावर केन का डिस्प्ले है, लोड डिस्प्ले जिसको बोलते हैं। आज हम बात करेंगे इसका पीछे का रीजन के बारे में, इसका पीछे का फ्यूचर क्या है, इसका सेटिंग क्या है, इसको सेटिंग से कंट्रोल कैसे करने का है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चले दोस्तों शुरू करते हैं, देख लेते हैं उसका सेटिंग का फ्यूचर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो ये टावर केन का लोड डिस्प्ले है और इसके बारे में आज बात करेंगे, इसका सेटिंग के बारे में, इसके पीछे के रीजन के बारे में, इसका ड्राइंग के बारे में। तो चलो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते इसका पीछे का जो रीजन है, जो ड्राइंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो सो गाइस, अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो डिस्प्ले है अपना, मतलब डिस्प्ले जो है अपना लोड का, आवर मीटर का जो भी मतलब डिस्प्ले है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सो गाइस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो डिस्प्ले की जो बात किया था मैंने, उसका पूरा सेटिंग के बारे में आपको बात करने वाला हूँ आज। तो आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो इसका डिस्प्ले का पूरा मेनू है, जो टेस्ट सेटिंग है पूरा यहाँ पे, एरो बटन का पूरा सेटिंग के बारे में, इसका फ्यूचर पूरा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज हम देख लेते हैं डिस्प्ले का पूरा सेटिंग के बारे में देख लेते हैं, ताकि हम मैनुअल देख के डिस्प्ले को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, उसका पूरा सेटिंग देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रंजन से एक बार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर तो कर ही दीजिएगा। अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि मुझे इस वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा जो आपको देखने में इंटरेस्ट लगेगा। तो देर मत करिए दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके वीडियो लाते रहूँ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।